हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अराउंड सिविल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DWC पाइप इलेक्ट्रिकल केबल कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लेइंग और जॉइन करते हैं, उसकी प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो फाउंडेशन किया हुआ रहता है उसमें कैसे केबल डालते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिकल का फाउंडेशन ऑक्टोगोनल पोल का वो कैसे करते हैं, वो पिछले वीडियो में देखा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ DWC पाइप और केबल लेइंग और उसका एक्सकेवेशन और वो फाउंडेशन कैसे करते हैं और कैसे लेइंग करते हैं, पोल के अंदर से वायर कैसे डालते हैं। अभी एक्सकेवेशन चालू है। एक्सकेवेशन होने के बाद स्टोर रूम से हम पाइप ला रहे हैं, जहाँ अपने को लाइन डालनी है वहाँ पे रख दे रहे हैं। पूरा रखने के बाद उसको फिक्स करेंगे, जॉइंट करेंगे। पोल टू पोल डिस्टेंस जितना है उससे 3 मीटर ज़्यादा केबल बाहर रखनी है और कट करके रख देनी है एक पोल के पास, हर पोल के पास, क्योंकि वो फाउंडेशन के अंदर से डाल के पोल तक आना चाहिए, उसको लूपिंग बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा केबल हम कट करेंगे। अगर हमारा पोल टू पोल डिस्टेंस 25 मीटर है तो हम 28 मीटर का केबल कट करेंगे और ये कपलिंग है, इसे पाइप हम जॉइंट करेंगे। ये अर्थिंग रॉड है, हम ये फाउंडेशन करते समय कंक्रीट में डाल के फिक्स कर सकते हैं या फिर एक्सकेवेशन के टाइम में डाल के उसको बैकफिलिंग करके फिक्स कर सकते हैं। हर पोल में डालना पड़ता है और ये एक्सकेवेशन आगे मशीन कंटिन्यू कर रहा है। केबल DWC पाइप में से लेइंग करने के बाद फाउंडेशन में जो PVC पाइप छोड़ा हुआ है कंक्रीटिंग करते समय, उसमें से केबल डाल के ऊपर 1.5 मीटर तक ये केबल बाहर निकालते हैं, क्योंकि पोल में जब पोल इंस्टॉल करेंगे तब उसमें कनेक्शन के लिए वो बाहर निकालते हैं। पोल का जब हम वीडियो बनाएंगे देखेंगे तो उसमें वो समझ में आ जाएगा कि ये केबल एक्स्ट्रा बाहर क्यों निकली हुई है। अभी बैक फिलिंग करेंगे और उसके बाद में पोल इंस्टॉल करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोल कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं और
अलाइनमेंट कैसे करते हैं,